चाहिए, सूचना केंद्र अधिकारी सब परमिशन ले लेनी चाहिए, किंतु वहाँ पर अनेक निर्माण कार्य हो रहे हैं बिना एनओसी के और कई काम ऐसे हैं जो उनका व्यवसायीकरण किया जा रहा है। हमने इस मुद्दे की जांच के लेकर अच्छा स्मार्ट सिटी परियोजना द्वारा पिछले 4 साल से सूचना केंद्र में अनेक काम कराए जा रहे हैं। ज़्यादातर काम ऐसे बिना एनओसी के बिना विभाग के अनुमति कराए जा रहे हैं, जबकि सूचना केंद्र विभाग की संपत्ति है और वहाँ जो भी काम होने चाहिए सूचना केंद्र अधिकारी सब परमिशन ले लेनी चाहिए, किंतु वहाँ पर अनेक निर्माण कार्य हो रहे हैं बिना एनओसी के और कई काम ऐसे हैं जो उनका व्यवसायीकरण किया जा रहा है। हमने इस मुद्दे की जांच के लेकर पिछले 1 साल से जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया, हमने निवेदन किया कि जांच की जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। आज हमने प्रातः हमारे मुख्यमंत्री जी के मुख्य सलाहकार हैं नरेंद्र आर्य, उनको ज्ञापन दिया, इसके बाद सीएम साहब के ओएसडी हैं लोकेश शर्मा जी को ज्ञापन दिया, अभी हमने प्रभारी मंत्री हमारे जो महेंद्र जी सिंह मालवीय है उनको ज्ञापन देकर अनुरोध किया कि सूचना केंद्र में जो भी काम हो रहे हैं बिना अनुसूची के उसकी जाँच किया जाए, क्योंकि ये सारा काम भ्रष्टाचार में लिप्त है, कोई जाँच करना नहीं चाहता है, इसलिए हमने साफ कह दिया अब अच्छा समय जांच करें वरना हम कार्रवाई और आंदोलन तेज करेंगे। करण सिंह संयोजक सूचना केंद्र बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति अजमेर। चार साल से स्मार्ट सिटी परियोजना द्वारा अनाधिकृत काम कराया जा रहे हैं बिना एनओसी काम कराया जा रहा है, इस मुद्दे की जांच के लेकर पिछले 1 साल से जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार निरंजन आर्य उनको ओएसडी लोकेश शर्मा जी ज्ञापन दिया और आज अभी हमने प्रभारी मंत्री जी हमारे महेंद्र जी लालवी जी ज्ञापन दिया, मांग की कि सूचना केंद्र में जो काम हो रहा है बिना एनओसी के उसकी जांच की जाए और पानी का पानी किया जाए, क्योंकि सूचना केंद्र में व्यवसायिक गतिविधियां शुरू करने की संभावना है।